हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा गाइस। दुर्गा पूजा के त्योहार में आप सभी को हमारे सीगी की तरफ से ढेर 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 शुभकामनाएं। मे लॉर्ड दुर्गा, मे माँ दुर्गा ब्लेस यू, फुलफिल ऑल योर डिजायर, योर ड्रीम्स। सो गाइस, आपको ये आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो, और गाइस हमें भी इस तरह आशीर्वाद देते रहिए गाइस। और दुर्गा पूजा लग चुका है, आप इफ यू कैन हियर पंडित जी वहाँ पे अपना पूजा कर रहे हैं, सब लोग आज शुरू है। सो चांदमारी के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, सब आज आएंगे, पूजा करेंगे। बट वी विल गो टुमारो, बट द प्रॉब्लम इज बारिश है ना, रात भर बारिश गिरा। बट ठीक है, रात भर अगर बारिश गिरा सुबह तक ठंडा होने, ठीक है, वी कैन गो रोम अराउंड। तो आज हमने डिसाइड किया कि वी विल गो आउट तेजपुर में, देखते हैं क्या कैसे दुर्गा पूजा लगता है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, शो यू वन सेकंड गाइस। ये रहा दुर्गा पूजा, ये तो है मेला से लेकर आ, मेला से लेकर आ बंदूक। मैंने कल बाजार से क्या ये रेलगेट से, हम रेलगेट से हम तो बाजार से आप कौन से मार्केट से, हम टाउन बाजार से बंद है दुर्गा पूजा का। अब दुर्गा पूजा में घूमने नहीं जाएगा? जाएगा बोलो। ओके हेलो गाइस, तो हम नहा लिया, फ्रेश भी हो चुके हैं। और हाँ, गीता अभी दिखने को मिल रहा होगा आपको गाइस पिक्चर में, ये रहा गीता का, आज दुर्गा पूजा लगा। क्या मिला मुझे? सो गाइस, आप सबको तो खांसी है, बिकॉज वेदर चेंज, कसम से इम्यून बहुत वीक है हम लोगों का। एनीवेज, खांसी तो चलते रहेगा, हम फिर भी शाम को आज हम सब रेडी होके जाएंगे मार्केट में। मार्केट थोड़ा पूरा बाजार घूमेगा, चल 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 के एक तरफ वॉक भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, पूजा देखने भी मिलेगा, खाने भी मिलेगा। सो बिकॉज गाड़ी बारी एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। सो वेदर अभी ठीक है, बारिश नहीं है, बट पूरा मिट्टी गीला गीला होगा। एनीवेज, चाय भी लिया है हमने अभी। तो हम भी जाएंगे कल दर्शन करने के लिए मंदिर में। और जैसे कि आपने देखा कि अभी घर घर में जाके यू नो दे आर शावरिंग विद ब्लेसिंग्स ऑफ दुर्गा माँ, तो हमने भी ले लिया है दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स। और मम्मी को आपने देखा है, मम्मी भी एकदम बिजी है। तो गाइस चलिए, शुरू हो चुका है हमारा दुर्गा पूजा। टंक टंक स्टंटमैन स्पॉटेड इन देशपुर।
मम्मी आ रही है, आई कैन स्पॉट मम्मी साइकिल के पीछे। हाँ हाँ अंकल नमस्ते, आइए घर में, आइए घर आइए, आप आइए। हाँ सो हेलो गाइस, अभी बज गया है 10 और हमारा फर्स्ट ऑर्डर इज आउट एज इन वी रिसीव्ड आवर फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम Zomato। गाइस लास्ट डे भी मैंने एक तरह से ब्लॉग एंड नहीं कर पाई बिकॉज लास्ट डे वी गॉट एक्सट्रीमली बिजी, पूजा बिजी एज जो होता है Zomato में, हम बहुत बिजी हो गए थे कल, इसलिए हमने ब्लॉग एक्स तरह से एंड नहीं किया गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी हमने सारा ब्लॉग शुरू कर दिया है, सीधा मैं सब सारे ब्लॉग, तो अभी मैं बना रही हूँ बाओ आवर फर्स्ट ऑर्डर फॉर द डे, तो Zomato से ऑर्डर आ चुका है। सो गाइस विशिंग एवरीबॉडी वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा, और आप लोग भी ऑर्डर करें हमारे स्विगी ब्लॉग में, या फिर यू कैन कॉल अस, यू कैन यू नो वॉट एवर कन्वीनियंट यू करें, हमें प्लीज़ ऑर्डर दीजिए और हम आपके यू नो ऑर्डर को बना के आपको बहुत ही प्यार से हम सर्विस देंगे आपको गाइस। सो गाइस स्टे इन द ब्लॉग। हाय गाइस गुड इवनिंग, अभी अभी हमारे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, तुम्हारे साथ बटना देखो पूछे गाइस हादसा क्या है, क्या हुआ हमारे साथ, सुता विल टेल यू इन डिटेल। तो मैं कैमरा अभी चारों तरफ कर रही हूँ, तो आप पूरी बात हमें संग फंसा था सारा, सुनिए तुमको क्या फंसाया, तुम बताओ डिटेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ गाइस। ऐसे ही हुआ ये कि एक्चुअली में जब भी Zomato का कॉल या ऑर्डर आता है हमें Zomato का जो राइडर है ऑन स्पॉट पिकअप के लिए लाइव लोकेशन देख के पहुंच जाता है, बट आई डोंट नो व्हाई स्विगी में ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, स्विगी वाला नेवर ऑन टाइम। पहली बात तो गौरव यू वॉचिंग अवर ब्लॉग प्लीज़ रोजर दिस, स्विगी वाला एक तो लोकेशन देने से भी लोकेशन लाइव टाइम पर नहीं पहुँचता है, एंड ऑन टॉप यहाँ लोकेशन पहुँचने से पहले वो मार्केट से ही कि हैंड ओवर फूड नाउ का बटन दबा देता है विच इज़ नॉट डन, दिस इज ट्वाइस दैट इज हैपनिंग टू अस। तो आज एक राइडर हमारा खाना रेडी हो चुका, हमारा खाना रेडी हो चुका था, तो हमने खाना रेडी का बटन दबा दिया था गाइस, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ स्विगी और Zomato मैं बोल रही हूँ डिटेल्स, हमने खाना रेडी का बटन दबा दिया था, खाना रेडी का बटन दबाते ही हमारे पास 9 मिनट था राइडर आने का, तो राइडर ने फ़ोन किया गीता को, गीता ने फ़ोन उठाया, गीता ने बोला दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के आगे शिव मंदिर है, शिव मंदिर के जस्ट राइट हैंड साइड में एक गली होगा, पाथ होगा प्रभुराम कार्की पाथ, स्ट्रेट आधा ना एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है आतुम किचन, वहाँ पे आगे खड़े हो जाइए विल गिव यू द फूड, बड़े ही आराम से बोला उसने भी बहुत ही प्यार से, अच्छा ठीक है बोल के फ़ोन रख दिया। 10 मिनट हो गया नहीं आया, गीता ने कॉल किया बिजी आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग बिजी 15 मिनट हो गया बिजी एंड देन उसने वापस कॉल किया, उसने वापस कॉल करके बोला आपका लोकेशन मुझे नहीं मिल रहा, आप कहाँ है तुम बोला होगा तुम का बात क्या ना गीता का, तुम बोल गया तुम्हारा लोकेशन कहाँ है मुझे नहीं मिल रहा है, तो गीता ने बोला दुर्गा मंदिर से दुर्गा मंदिर पहुंच किसी को भी पूछ रहे हो, उसने बोला मैं दुर्गा मंदिर में यहाँ में कोई भी नहीं है। गाइस कैन यू बिलीव दुर्गा पूजा का माहौल है, दुर्गा पूजा वहाँ में फंक्शन चल रहा है, वहाँ में एक भगवान है का पूजा वो है मंदिर है, इट्स सो रश, और उसको कोई नहीं मिला पूछने के लिए कि प्रभुराम की बात कहाँ है, आदू किचन कहाँ है, कोई नहीं मिला उसको, तो ही सेट वहाँ कोई नहीं है। देन गीता ने बोला तो ठीक है आप आगे आ जाओ, आगे शिव मंदिर से आकर राइट लेना, वहाँ में प्रोग्राम करके बाद वहाँ से अंदर घुस जाओ, उससे बोला हम नहीं आएगा, अगर आना है तो आपको और सामान लेके खाना लेके आप शिव मंदिर के पास, हमें वहीं से ले पिकअप कर लेगा। बहुत 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 गुस्सा आया, आउट ऑफ रेज आउट ऑफ एंगर, हमने बोला आपको आना है आओ, अगर नहीं आना है तो हम किसी और को असाइन कर लेगा, पर उसने बहुत ही बदतमीजी से बात किया, तुमको आना है तुम्हारा खाना क्या चिल्ला के बात कर रहे, ये कोई तरीका है बात करने का, ऐसे 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 बोल बोके वी हैड लॉट ऑफ एंड गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही वॉज लिटिल ड्रंक, थोड़ा पिया हुआ था, ही वॉज ऑल स्मेलिंग वेरी बैड, चलो पूजा का माहौल है, ही वॉज ड्रंक, उसको घूमने मन करता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट द वे ही टॉक वॉज वेरी रूड, बहुत ही अननेचुरल था उसका, जैसे बात किया बहुत ही बुरा लगा हमें, एंड यहाँ पहुँच के वो इसने ऐसे हंगामा किया घर पहुँच के, सारे मोहल्ले के लोग देख रहे थे, देयर वाज सो इंसल्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट एनी वेज वो हमको हार्डली मैटर करता है, हमारा बिजनेस हमको सही चाहिए, बाकी आई डोंट केयर अबाउट पीपल एनी वेज। सो गाइज ये बहुत ही खराब हुआ हमारे साथ, तो स्विगी में हमेशा ही से ये प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ, गौरव प्लीज़ इसको आप अच्छे से ध्यान देना,
गौरव जो है, गौरव जो स्विगी जो पार्टी मैनेजर है, जो मैनेजर है वो डील करता है स्विगी से, सो हम उसको स्पेशली बोल रहे हैं। बाकी जोमेटो तो जोमेटो इज पीपल आर जो बैंग ऑन, बैंग ऑन, दे ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट दे आर वेरी गुड। बात करने का तरीका है बहुत अच्छा है, एवरीथिंग सो गुड। आई थिंक ये बहुत लोग बहुत रेस्टोरेंट में भी फेस कर चुका होगा स्विगी जोमेटो का प्रॉब्लम, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम बट वी विल ट्राई टू मैनेज आराम से अभी नेक्स्ट टाइम से हमने भी, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज गाइस यही था, यही कहानी था। सो यहाँ आके बहुत हंगामा शुरू किया, सब लोग बाहर देख रहे थे, सो थोड़ा खराब लगा उसी के लिए, बट पापा ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन को, एंड देन ही दैट गाय वेंट बैक और हमने दूसरा राइडर असाइन किया, एंड देन वो खाना पिकअप करके चला गया। बस बस बहुत रूट था, वो बहुत रूट था, बहुत गुस्सा आया, तुम कर बात कर रहा था तब गुस्सा आया। No, it's okay. तुम बोलो, it's acceptable. But then the way he was talking was very rude. खाना लेके चल के उधर। Very rude. तुमको आना है इधर आओ, हम इधर ही खड़ा है, तुम लोग खाना लेके इधर आओ, हम यहीं से लेके जाएंगे खाना। खाना पता नहीं कहाँ में खोला है क्लब, कौन जगह में खोला है, यहाँ जगह नहीं मिलता है ढूंढ के, ऐसे कोई बोलता है। बहुत ही रूडली बात किया तो और बाहर में आके बहुत तमाशा किया है। तो गाइस आई थिंक जो रेस्टोरेंट चलाते हैं उनको शायद उन्होंने शायद ये फेस, यू नो, दे हैव ऑलरेडी फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस इज अ फर्स्ट टाइम, बट इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू डील दिस इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। चलो आई थिंक देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अभी हम लोग वी विल स्विच ऑफ दी स्विगी एंड जोमेटो फॉर संडे, विल गो एंड सी दी ये क्या है फंक्शन यहाँ पे। चलो मम्मी रेडी, देविक भी रेडी। सो गाइस गुड इवनिंग, अभी कितना बज गया, 8 बजने वाला है और मम्मी हम लोग ये पास में दुर्गा मंडप है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया ब्लॉग में, तो वहीं जा रहे हैं हम सब। फंक्शन होते हैं वहाँ पे, यू नो, डांस प्रोग्राम होता है, कुछ नाटक होता है, सो वी गोइंग गो देयर एंड एंजॉय द प्रोग्राम, और जितना हो सके लेट मी, यू नो, ट्राई टू मेक द ब्लॉग देयर। ज्यादा म्यूजिक वाला ब्लॉग नहीं डाल पाऊंगी बिकॉज यू नो कॉपीराइट लग जाता है, तो फटाफट से हम जा रहे हैं और आप लोगों को जितना हो सके ब्लॉग के जरिए दिखाते रहूंगी मैं गाइस। तो स्टे इन द ब्लॉग। सीधा कहाँ है, चलो चलो रेडी रेडी। वो देखिए गाइस मम्मी, ये देविक और यहाँ पे मैं, तो सीधा लोग लेट है, दे आर स्टिल एट होम। मम्मी हम लोग निकल कर आ गए थे, अभी फंक्शन यहाँ पे हो रहा है गाइस, तो वो देखने जा रहे हैं। See who we found. पंडित जी को मिल गया दोबारा से यहाँ पे। पंडित जी नमस्ते। देखिए गाइस हाँ हाँ मम्मी भी है, तो भूख लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ऑडियंस ही ऑडियंस है गाइस। सीधे वहां पर टाइम पास करा देंगे। मेरा देविक ऑल बिजी। वेरी वेरी स्कैच।